हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का ताज़ा अचार। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली बन जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ना इसे धूप लगाने की ज़रूरत होती है, ये तुरंत बना के और तुरंत ही खाया जाता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाजर का ताज़ा अचार बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम गाजर, जिसे हमने पतली पतली स्लाइसेस में इस तरीके से काट लिया है। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा भी इसे ले सकते हैं। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच पीसी हुई सरसों, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक बाउल में गाजर डालेंगे और इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई सरसों, नमक और ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आप सरसों का तेल यूज़ करें तो प्लीज़ गर्म करके ही उसे डालें। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार मिक्स हो चुका है। हमने अचार में लहसुन का पेस्ट फ्रेश डाला है, आप भी फ्रेश ही डालें। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये कितनी इजीली और क्विकली बन गया ये, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी गाजर का सीजन है तो आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना आपको धूप लगाने की इसमें ज़रूरत है। तो आप इसे प्लीज़ ट्राई करें। तो आप इसे बना के तुरंत ही खाइए और इसमें आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।